अच्छा जी, आप आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनरी वर्सेस बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? यूनरी मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेटर यूज हो, और एक ही ऑपरेटर वो चाहे नॉट है, चाहे वो हमारे पास माइनस है, प्लस है, एंड है, और है, कोई भी एक ऑपरेटर जब हम यूज करेंगे वो यूनरी ऑपरेटर होता है। बाइनरी का मतलब है वो ऑपरेटर जिसमें दो या दो ऑपरेंड हम दो ऑपरेटर्स एट अ टाइम यूज कर रहे हो, तो वो उसको हम लोग बाइनरी ऑपरेटर बोलेंगे। उसमें एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, प्लस माइनस, अरिथमेटिक असाइनमेंट, वो सारे ऑपरेटर्स इसमें आ जाते हैं। और सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग एट अ टाइम तीन ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं। तो अभी जो हम लोग आगे काम करेंगे वो है ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो जिस तरह हम लोग मैथ के अंदर को पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद लोग डिवाइड का, मैथ के अंदर पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर हम लोग एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन की तरफ जाते हैं। इसमें भी हमारे पास इसी तरह होगा। इसमें हम लोग जो काम करेंगे, ये टेबल आपके सामने है, जिस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर नॉट, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर परसेंटेज, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा क्या उसे बोलते हैं प्लस, फिर माइनस, फिर लेस देन, ग्रेटर देन, मतलब सारे के सारे ऑपरेटर्स हम लोग यूज करेंगे मगर एक सीक्वेंस के साथ। सबसे लास्ट में जो हमारे पास ऑपरेटर होगा वो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होगा। तो आज ये वाला चैप्टर आपका यहाँ पे क्लियर हुआ। हम लोग नेक्स्ट जो है वो देखेंगे, नेक्स्ट जितना भी काम होगा हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।